सरकार की तरफ से लगातार दबाव है, उसके बावजूद भी देखिए जहर तो जहर है, चाहे वो शराब हो या जहर हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए जिससे जहर का अंदेशा हो। ऐसे तो सरकार शराबबंदी के लिए इतना जागरूकता अभियान चला रही है कि शराबबंदी हो, मुख्यमंत्री जी कई जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बिहार में जो बिहारी समाज है उसमें शराब पीना, शराबी होना ये तो बहुत बुरी बात पहले से मानी जाती थी। अगर कोई लड़का शराबी हो तो उसकी शादी नहीं होती थी। लोग कहते थे अगर लड़के का बाप भी शराबी है तब भी लोग शादी ब्याह से उसके यहाँ डरते थे। और शराबबंदी तो समाज के हित में है। शराब अच्छी चीज़ तो नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ये डेंजरस है, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं, सिगरेट पी लेते हैं। शराब भी सेहत के लिए कहीं भी सही नहीं है, हानिकारक है। और वो भी जहरीली शराब पीना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो समाज में जागरूकता फैलाना है कि ना शराब पिए ना जहरीली शराब पिए। तो जो मौत हुई है उस पर जांच चल रही है कि किस कारण हुई, और जब जांच आएगी तो बताएंगे आप। सर मौतों पर पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है कई जिलों में, ये खबर नहीं, वो दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मौत होती है सबका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कुछ लोग हैं बिना पोस्टमार्टम के ही अपनी रिपोर्ट, डॉक्टर की तरह नेता डॉक्टर हो जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट पहले ही दे देते हैं। अरे पोस्टमार्टम का वेट तो कीजिए। तो अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है, इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ हमें लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि एक हमारे हम देखते हैं कि जब जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को, उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं, ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं।